साथ सीमा चौधरी और चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण पूर्वांचल के क्षेत्र में सात यानी कि आज से चुनाव की तैयारियों का शंखनाद करने वाले हैं। वाराणसी के वाजिदपुर में पीएम मोदी चुनावी तैयारियों का शंखनाद विशाल जनसभा के जरिए करेंगे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्वांचल को करोड़ों की सौगात भी देंगे। पूर्वांचल के कई जिलों के साथ वाराणसी को करीब 12,000 करोड़ रुपए की 29 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज पीएम करने वाले हैं। पीएम मोदी अपने जनसभा के दौरान एक तरफ केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यों को जनता के सामने रखेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के करीब 30 लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। और चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए तमाम चीजें बताते हैं। काशी को सुपर सौगात मिलने जा रही है। पूर्वांचल को 12,110 करोड़ की बड़ी सौगात मिलेगी। 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। मणिकर्णिका हरीशचंद्र घाट का पूर्ण विकास किया जाएगा। घाट के पूर्ण विकास में खर्च होंगे 34.86 करोड़। हजारों करोड़ की रेल परियोजनाओं की भी बड़ी सौगात पीएम आज देंगे। वहीं डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोनगर नई रेलवे लाइन का निर्माण होगा। ओडिहार जौनपुर सेक्शन रेलवे लाइन का दोहरीकरण, उसके बाद ओडिहार गाजीपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण, बटनी ओडिहार सेक्शन रेलवे लाइन का विद्युतीकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग 56 वाराणसी जौनपुर फोर लेन परियोजना की भी बड़ी सौगात आज गोरखपुर की जनता को मिलने जा रही है। तो आज ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी। इधर वाराणसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे, जहां हाईटेक रेलवे स्टेशन की बड़ी सौगात देंगे। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए स्टेशन के बारे में बताते हैं। 498 करोड़ से गोरखपुर जंक्शन का पूर्ण निर्माण होगा। 2.5 साल में गोरखपुर रेलवे स्टेशन का मेक ओवर होगा। 50 साल को ध्यान में रख करके ये पूरा कायाकल्प किया जाने वाला है। अब एयरपोर्ट की तरह सभी सुविधाएं उच्च स्तरीय यहां पर होंगी। उसके बाद प्लेटफॉर्म के ऊपर एक रूफ प्लाजा भी बनाया जाएगा। विश्व स्तरीय कई सारी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। प्लेटफॉर्म के ऊपर मॉल जैसी सुविधाएं होंगी। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध होंगे। रेलवे स्टेशन के रूफ प्लाजा में फूड कोर्ट, वेटिंग लाउंज भी वो भी होगा। उसके बाद बच्चों के खेलने की जगह और स्थानीय उत्पादों की दुकानें भी यहां पर बनाई जाएगी। तो आम जनता के लिए तमाम सुविधाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाने वाली है आज। तो ये बड़ी सौगात देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, गोरखपुर की जनता के लिए। यहाँ पर गोरखपुर को हाईटेक रेलवे स्टेशन की ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है और इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित भी करते नजर आएंगे। एयरपोर्ट की तर्ज पर ही जो तमाम सुविधाएं हैं वो रेलवे स्टेशन पर दी जाएंगी। प्लेटफॉर्म के ऊपर एक रूफ पर तमाम चीजें, विश्व स्तरीय कई सारी सुविधाओं का लाभ अब गोरखपुर की जनता को मिलता नजर आएगा। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर मॉल जैसी सुविधाएं, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, मनोरंजन के साधन, तमाम चीजें। तो तमाम जानकारी अपडेट के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, वाराणसी से हमारे साथ आकाश हैं, तो गोरखपुर से हमारे साथ सुशील हैं। और चलिए पहले रुक कर लेते हैं वाराणसी की ओर। आकाश, किस तरह की तैयारी यहाँ पर वाराणसी में देखने को मिल रही है? पीएम पहुंचने वाले हैं, सुरक्षा के इंतजाम किस प्रकार से है, पूरी व्यवस्था किस तरह की? देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा की बात करूँ तो लगभग 20 IPS के साथ साथ 30 से 54 सजावट है, लाइटिंग किया गया है। यदि रात के समय की बात करूँ तो रात ऐसा लग रहा था जैसे लग रहा था कि दिवाली का समय है। उस तरीके से लतर और ढालों से काशी को तैयार किया जा रहा है। हालांकि पीएम मोदी जब भी काशी आते हैं तो काशी में ऐसी ही सुरक्षा देखने को मिलती है, ऐसी ही सजावट देखने को मिलती है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में
केवल 2024 के लोकसभा चुनाव की शंखना भी नहीं बल्कि काशी वासियों को 12,000 करोड़ की सौगात देगी, जिसमें 19 परियोजनाओं का लोकार्पण के साथ साथ 10 परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी जी ने पूर्वांचल के विकास की एक पटकथा लिखी। इंतजार बस ये है कि पीएम मोदी आए काशी वासियों को हर बार की तरह इस बार सौगात दे। बिल्कुल आकाश, और ये बड़ी सौगात हालांकि काशी की जनता को, वाराणसी की जनता को मिलने वाली है। आपके पास लौटेंगे और भी तमाम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन गोरखपुर का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि पीएम गोरखपुर भी जाएंगे वाराणसी के बाद। और गोरखपुर में सुशील किस तरह की तैयारी है, कितना उत्साह सभी के बीच, क्योंकि जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं पीएम। देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में गोरखपुर के गीता प्रेस में पहुंचेंगे, जहां पर वो लीला चित्र मंदिर में भी जाएंगे, वहां पर उस मंदिर का भ्रमण करेंगे, वहां पर रखी हुई 250 से 300 साल पुरानी जो चित्र है उसको भी देखेंगे, उसका भी अवलोकन करेंगे और वहाँ के ट्रस्टियों के साथ फोटो सेशन भी होगा। उसके बाद फिर नीचे मेन मंच कार्यक्रम में पहुंचने के बाद जो है श्री महापुराण के पुस्तक का विमोचन भी करेंगे, उसके अंक का, और उसके बाद से वहां पर एक संदेश देते हुए भी नजर आएंगे। इनके साथ देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी। उसके बाद फिर वहां से सीधे तकरीबन माना जा रहा है कि 3 बजे के आसपास वो रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां पर वंदे भारत का जो है वो हरी झंडी दिखा करके उसे रवाना करेंगे और इस दौरान वहीं पर तकरीबन 498 करोड़ के आसपास नवनिर्माण गोरखपुर रेलवे स्टेशन का शिलान्यास भी करेंगे, इसकी भी सौगात देंगे, जो कि वो हाईटेक रेलवे स्टेशन बनने वाला है, जो कि आने वाले 50 सालों की सुविधाओं को, आबादी को देखते हुए जो है इसका निर्माण कराया जा रहा है। और इसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ मौजूद रहेंगे, उनके शिलान्यास के बाद इस काम को शुरू किया जाएगा और इसके बाद ये माना जा रहा है तकरीबन 4:30 बजे के आसपास वो यहाँ से रवाना होंगे और सीधे 5 बजे के आसपास वाराणसी पहुँचेंगे, जहाँ पर वो बड़ी सौगात देंगे और निश्चित रूप से इसको लेकर के पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर ली गई है। SPG के द्वारा पूरे सुरक्षा को किलेबंद कर दिया गया है और एक एक जगह पर एक एक लोगों के आने और जाने की पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। जी बिल्कुल, और काफी अहम चीज क्योंकि पीएम खुद पहुंच रहे हैं और बड़ी सौगात देने वाले। हालांकि सुशील, यहां पर अगर बात की जाए क्योंकि पीएम के द्वारा रेलवे की ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, खासतौर पर स्टेशन की बात की जाए क्योंकि स्टेशन जो है वो काफी बेहतरीन बनाने की कोशिश, एयरपोर्ट के तर्ज पर यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाने की पूरी कवायद है, किस तरह की तैयारी इसको लेकर के देखी जा रही है क्योंकि आने वाले 50 साल को ध्यान में रख करके अब ये बनाया जाएगा। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, चूंकि आने वाले जो 50 साल की आबादी है, जो यानी अगर गोरखपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो अभी की अगर बात करें तो प्रतिदिन लाखों के आसपास जो यात्री है वो आते और जाते हैं, तो ऐसे में आने वाले समय में और जब स्टेशन और डेवलप होगा तो और यात्री बढ़ेंगे, तो ऐसे में आने वाले 50 साल की भीड़ को देखते हुए इस रेलवे स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। बाकायदे फूड प्लाजा से लेकर के तमाम सुविधाएं मौजूद है, यानी अगर आप गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आएंगे आज जब ये बन जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि आप रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि किसी एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, एयरपोर्ट के तर्ज पे पूरी तरह से बनाया जा रहा है। और खासकर यहाँ की जितनी भी संस्कृति है, चाहे वो गोरखनाथ मंदिर हो, गीता प्रेस हो या फिर बौद्ध सर्किट हो कुशीनगर का, उन सभी की झांकी आपको रेलवे स्टेशन के बाहर नजर आएगी। उसके बाद जो है बाकायदे पार्किंग की व्यवस्था, कैबवे की व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप गोरखपुर रेलवे स्टेशन से रोडवेज बस स्टेशन जाना चाहते हैं तो आपको सड़क से नहीं जाना पड़ेगा बल्कि जो है पैदल फुट जो है ओवरब्रिज के जरिए आप सीधे रोडवेज तक पहुंच सकते हैं, आपको किसी सड़क या चौराहों पे नहीं जाना पड़ेगा और फिर वहां से रोडवेज से आप रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। इस तरह की पूरी व्यवस्था के साथ हाईटेक तरीके से इस रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, जिसकी आधारशिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रख करके जाएंगे, तो अपने आप में बड़ा दिन है और आने वाले समय में रेलवे स्टेशन एक नई गाथा लिखता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी सौगात गोरखपुर की जनता के लिए। हालांकि आपके पास लौटेंगे सुशील,